मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज जो प्लांट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये क्रिसमस ट्री प्लांट है और इसका जो रियल नेम है वो है एरोकेरिया प्लांट। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और इसके जो लीव्स हैं वो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी ग्रोथ भी मेरे पास अच्छे तरीके से चल रही है। ये देखें, ये इसकी न्यू ग्रोथ है। बहुत जल्द ये जो पांच, ये आपको जो पर चार दिख रहे हैं, ये ऊपर से पांच पर ये खुलने वाले हैं। तो जैसे ही खुलेंगे मैं वो आपको भी दोबारा शेयर कर दूँगा। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये एरोकेरिया जो प्लांट है, मैं इसकी केयर किस तरीके से कर रहा हूँ। तो बहुत ही इजी टू ग्रो ये प्लांट है। सबसे पहले जो इसके लिए पॉट साइज़ मैंने यूज़ किया है वो 14 इंच पॉट साइज़ मैंने यूज़ किया है। और सोइल मिक्सचर जो इसका मैंने बनाया है वो वेल ड्रेन बनाया है। वेल ड्रेन सोइल मिक्सचर बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपसे गलती से भी ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और वेल ड्रेन सोइल मिक्सचर होने की वजह से ज़्यादा पानी भी होगा तो वो ड्रेन होकर नीचे से निकल जाएगा। तो इससे आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसीलिए आप जो है, अगर आपका जो पौधा है उसके लिए आप वेल ड्रेन सोइल मिक्सचर बनाएं। और दूसरा, इस प्लांट को आप चाहे तो इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। मैंने इस प्लांट को पहले इंडोर रखा हुआ था और अब मैंने इसे आउटडोर रख दिया है। जहाँ जिस जगह पर इसको मैंने अभी प्लेस किया है, यहाँ पर इसे पूरे दिन में तकरीबन 6 से 8 घंटे की धूप मिलेगी। पहले इसे इंडोर मैंने रखा था और वहाँ पर भी लेकिन इसको 1 घंटे की धूप मिला करती थी, लेकिन अब इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिला करेगी। तो यहाँ रखे हुए भी मेरे पास इसको जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो ग्रोथ इसकी अच्छी चल रही है, फुल तेज़ धूप होती है। लेकिन इसके जो लीव्स है इसमें कोई बर्निंग मुझे नज़र नहीं आ रही, मतलब ये कि ये सन लविंग प्लांट है, सन को बर्दाश्त करता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसके जो लीव्स है वह भी बिल्कुल ग्रीन लश है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि न्यू लीव्स इसके खुलने वाले हैं। और ये लीव्स वाला प्लांट है तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र बेस्ड है वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र है, क्योंकि ये लीव्स इसके ग्रोथ होते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो काउडंग फर्टिलाइज़र है। मैं इसे काउडंग फर्टिलाइज़र ही ऐड करता हूँ, 2 से 3 महीने में एक बार ऐड करता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये पॉट में रखा हुआ है और इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देता हूँ तो, और वो काउडंग जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है तो वो स्लो स्लो इसको मिलता रहता है, तो 2 से 3 महीने अच्छे से ये गुजार लेता है उस फर्टिलाइज़र के ज़रिए। तो बस इसी तरह से मैं इसकी केयर कर रहा हूँ, वाटरिंग में इसे डेली करता हूँ और वेल ड्रेन इसका सोइल मिक्सचर मैंने बनाया है, फुल धूप में मैंने इसे रख दिया है अभी, और फर्टिलाइज़र मैं इसमें 2 से 3 महीने में ऐड करता हूँ। तो अभी बहुत गर्मियाँ हैं तो मैंने तकरीबन 1 महीना पहले इसमें ऐड किया था, अभी 2 महीने जाने दूंगा। मानसून का सीज़न जब एंड हो रहा होगा अगस्त के महीने में या सितंबर में, मैं इसमें दोबारा से फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मेरे पास ये ग्रोथ कर रहा है एरोकेरिया का प्लांट। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरा ये एरोकेरिया का प्लांट आपको कैसा लगा, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।